हे वेलकम बैक, आई एम धर्मेंद्र फ्रॉम डीएस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, प्यारे बच्चे, मैं आपको अंग्रेजी में बोलना सिखा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि हम लोग शुरुआत नहीं कर पाते, तो मैं कह रहा हूँ कि शुरुआत ऐसे करो ना जैसे मैं कह रहा हूँ। तो आप जब बोलना शुरू करोगे, लेकिन छोटे छोटे स्ट्रक्चर के साथ, छोटे छोटे वर्ड्स के साथ, तो अंग्रेजी बोलना धड़ल्ले से आ जाएगा और आप जैसे चाहोगे ना वैसे बोलोगे। बस एक बार वो स्ट्रक्चर मिल जाए, बस एक बार वो सेंटेंस मिल जाए, बस एक बार वो वर्ड्स मिल जाए और किस तरह से बोलना है वो करना आ जाए, फिर देखो कितना आसानी से हम बोल पाते हैं। आज मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपके लिए नहीं, ये भारत में सारे बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उन बच्चों को, सबको मदद करिए जिनको ज़रूरत है अंग्रेजी की। एक क्रांति की तरह फैलाना है, आग की तरह फैलाना है। अब देखो कितना सिंपल स्ट्रक्चर है। आपको कई बार इसके बारे में चर्चा किया है या आपने सुना भी होगा, डू प्लस वीवन प्लस अदरवर्ड, डू वीवन अदरवर्ड। यहाँ पे है क्या चीज़ वो ध्यान दो, सेंटेंस इम्फैटिक है। इम्फैटिक का मतलब होता है जोर देना। जबकि सेंटेंस पर हम जोर डालते हैं, जैसे डू और जोर के साथ साथ ध्यान देना, डू का प्रयोग अकेले में तब करते हैं जब हमें अवश्य बोलना हो या फिर हमें जरूर बोलना हो। जैसे जरूर आना, जरूर पढ़ना, अवश्य खा लेना, अवश्य मेरा नाम लिखो ना, बैठो तो सही, ये जरूर पढ़ना, जरूर वहां जाना, जरूर ये काम कर लेना, वहां पे डू का प्रयोग करना। डज नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा, डू का प्रयोग करना। और ध्यान देना, इसका जब प्रयोग करोगे तो इसके साथ नेगेटिव का प्रयोग कोशिश करना कि ना करना, क्योंकि नेगेटिव नॉर्मल होता है। तो हमने कहा कल जरूर आना, कल जरूर आना, कल आना, कल जरूर आना, कल अवश्य आना। तो हमने कह दिया डू कम टुमारो, कल जरूर आना, डू कम टुमारो, कल जरूर आना, डू कम टुमारो। तो कल जरूर आना, अवश्य आना, मुझसे प्यार करो ना, मुझसे प्यार करो ना, डू लव मी, डू लव मी, मुझसे प्यार करो ना, अंदर आइए तो सही, अंदर आइए तो सही, डू कम इन, अंदर आइए तो सही, डू कम इन। अब एक बार याद कर लिया ना, स्ट्रक्चर कर लिया ना, तो हजार सेंटेंस बोलो, बस बोलना ही शुरू करो, आसान हो जाएगा। अंदर आइए तो सही, डू कम इन, बैठो तो यार, डू सिट यार, डू सिट, बैठो तो सही, डू सिट, मुझसे बात जरूर करना, डू टॉक टू मी, मुझसे बात जरूर करना, डू टॉक टू मी, अंग्रेजी जरूर सीख लेना, अंग्रेजी जरूर सीख लेना, डू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी जरूर बोल लेना, डू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी जरूर लिख लेना, डू राइट इंग्लिश, एक कप चाय तो पी लीजिए, एक कप चाय तो पी लीजिए, मतलब एक कप चाय जरूर पीजिए, डू टेक अ कप ऑफ टी, डू ड्रिंक अ कप ऑफ टी। तो आप टेक का प्रयोग भी कर सकते हैं, ड्रिंक का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब एक बार मैं बोलूंगा हिंदी, आप बोलना अंग्रेजी मेरे साथ। चलो कल जरूर आना, बोलो कल जरूर आना, डू कम टुमारो, मुझसे प्यार करो ना, डू लव हिम, अंदर आइए तो सही, डू कम इन, बैठो तो, डू सिट, मुझसे बात जरूर करना, डू टॉक टू मी, अंग्रेजी जरूर सीख लेना, डू लर्न इंग्लिश, एक कप चाय पी तो लीजिए, डू टेक अ कप ऑफ टी। अच्छा लगा? अब इसके साथ अगला देखते हैं और भी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हमने क्या देखा, इस सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे सब कुछ सेम है, डू प्लस वी वन प्लस अदरवर्ड। अब यहाँ पे करना ये है कि इसके साथ अवश्य जरूर तो लगा है, लेकिन मैं जोड़ दूंगा प्लीज, या जोड़ दूंगा काइंडली। क्या जोड़ दिया? प्लीज या काइंडली। अब ये दो वर्ड हमने प्लस कर दिया, प्लीज या काइंडली जोड़ देने से ये सेंटेंस और बड़ा हो गया, और सेंटेंस और बड़ा हो गया जब बोलेंगे कृपया करके मुझे अंग्रेजी सिखा दीजिए, दया करके ₹1000 दे दीजिए, कृपया करके एक किताब दीजिएगा, कलम कृपा करके मुझे अंग्रेजी जरूर सिखा दीजिए, है ना, दया करके मुझे ₹1000 जरूर दीजिए। तो इस तरह से दया करके, कृपा करके, अंदर से भावना अगर हो तो आप सेंटेंस को और इजीली फ्रेम कर सकते हैं। स्ट्रक्चर सेम, बस काइंडली और प्लीज को जोड़ देना है, आपके लिए और आसान अंग्रेजी हो जाएगा। जैसे दया करके मुझे अंग्रेजी अवश्य सिखा दीजिए, दया करके मुझे अंग्रेजी अवश्य सिखा दीजिए। स्ट्रक्चर वही प्लीज और काइंडली प्लस डू प्लस वी वन प्लस अदरवर्ड। ध्यान रखें यहाँ पे डज मत लगाना,
ध्यान रखें, यहाँ पे कुछ मतलब डिड कुछ भी डज आएगा ही नहीं आएगा, हमेशा डू सही काम चलेगा, यानी हमेशा ये प्रेजेंट जैसा भाव होगा, लेकिन इम्फैटिक होगा, जोरदार होगा, जिसको आसानी से हम बोल सकते हैं। सेंटेंस इम्फैटिक, इम्फैटिक का मतलब जोरदार, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये सेकंड वाला बात है। अवश्य जरूर का सेंस देगा, सब लिख दिया हूँ, कॉपी कलम निकालो और निकाल के लिखना शुरू कर दो, आपके लिए अंग्रेजी बहुत आसान हो जाएगा। हमने कहा दया करके मुझे अंग्रेजी अवश्य सिखा दीजिए, तो काइंडली डू टीच मी इंग्लिश, काइंडली डू टीच मी इंग्लिश। अब यहाँ पे काइंडली लगा दिया तो हो गया दया करके मुझे अंग्रेजी सिखा दीजिए, तो डू टीच मी इंग्लिश, तो यहाँ पे अवश्य वर्ड आ गया, तो डू का प्रयोग हमने कर दिया, बस समझ पा रहे हो, तो काइंडली डू टीच मी इंग्लिश। अगर यहाँ दया करके नहीं रहता, रहता कृपया, कृपया मुझे अंग्रेजी सिखा दीजिए, तो हम कहते प्लीज डू टीच मी इंग्लिश, प्लीज डू टीच मी इंग्लिश। तो दया करके हो चाहे कृपया हो, दया करके बोलना हो तो काइंडली बोलेंगे, कृपया बोलना हो तो प्लीज बोलेंगे, दया करके मुझे 1000 रुपये जरूर दीजिएगा, तो हमने कहा काइंडली डू गिव मी 1000 रुपीज, राइट, तो काइंडली डू गिव मी 1000 रुपीज। अगर दया करके ना हो, कृपया हो, तो बोलेंगे प्लीज डू गिव मी 1000 रुपीज, प्लीज डू गिव मी 1000 रुपीज, है ना। अगला है कृपया करके मेरी समस्या का समाधान जरूर दीजिए, है ना, तो कृपया करके मेरी समस्या का समाधान जरूर कर दीजिए, तो कृपया करके हमने यहाँ पे कहा कृपया करके यार मेरी समस्या का समाधान जरूर कर दो, तो हमने कहा प्लीज डू सॉल्व माई प्रॉब्लम, प्लीज डू सॉल्व माई प्रॉब्लम, तो कितना आसान है ना, ये तो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर दिया, हमने आपको सिखाने का प्रयास क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रक्चर 1000 सेंटेंस, एक स्ट्रक्चर लाखों सेंटेंस, जो चाहें जैसे चाहें वैसे बोलें, स्ट्रक्चर सेम, बस मैं आपको वो लॉजिक देना चाह रहा हूँ कि तरह तरह के सेंटेंस बोलना सीख जाए। कृपया करके मेरी समस्या का समाधान जरूर कर दीजिए, प्लीज डू सोल्व माई प्रॉब्लम, कृपया करके मुझे एक कलम अवश्य दीजिए, तो प्लीज डू गिव मी अ पेन, प्लीज डू गिव मी अ पेन। अब एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लो ताकि आपको आसान हो जाए, कृपया करके मुझे अंग्रेजी अवश्य सिखा दीजिए, काइंडली डू टीच मी इंग्लिश। अब यहाँ मैं कृपया कर बोलूंगा, आप बोलना अंग्रेजी में, कृपया करके मुझे अंग्रेजी अवश्य बोलो, कृपया करके मुझे अंग्रेजी अवश्य सिखा दीजिए, प्लीज डू टीच मी इंग्लिश, दया करके मुझे 1000 रुपये जरूर दीजिए, काइंडली डू गिव मी 1000 रुपीज। अब मैं बोलूँगा कृपया करके, तुम अंग्रेजी बोलना, कृपया करके मुझे 1000 रुपये जरूर दीजिए, बोलो प्लीज डू गिव मी 1000 रुपीज, है ना, कृपया करके मेरी समस्या का समाधान जरूर कर दीजिए, प्लीज डू सॉल्व माई प्रॉब्लम। तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से इसे बोल पाओगे, आसानी से कर पाओगे। अब देखते हैं अगला स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। अब यहाँ पे क्या लिया हमने, थोड़ा सा स्ट्रक्चर सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंट किया, हमने लगा दिया सब्जेक्ट और डू डज डिड लगा दिया, अब डू डज डिड प्लस विन प्लस वर्ब, यहाँ पे दे दिया तो हूँ, ता है, मतलब सेंटेंस में पढ़ता तो हूँ, वह खाती तो है। ये कब बोलते हैं हम लोग, जैसे मान लेते हैं कि आप एग्जाम देकर के आ रहे हो, पिताजी को पता चल गया कि फेल हो गया, आप पहले से जूता लिए खड़े हैं, घर के अंदर प्रवेश किया, दे जूता, बोलते पढ़ता तो नहीं है तुम, आप बोलते पढ़ते तो है, फेल कर जाते हैं, अलग बात है, तो पढ़ते तो है, तो है, रोती तो है, वो हंसती तो है यार, वो खेलती तो है, तो हमने कहा पढ़ता तो हूं, आई डू रीड, वह रोती तो है, रोती तो थी, तो देखो डू और डज तुम्हारा प्रेजेंट है, और जो डीड है ना ये पास्ट है, अगर प्रेजेंट बोलना हो तो डू डज, पास्ट बोलना हो तो डीड, वह पढ़ता तो है, आई डू, मैं पढ़ता तो हूँ, आई डू रीड, वह पढ़ता तो है, ही डज रीड, वह खाती तो है, सी डज इट, वह रोती तो है, सी डज क्राई, वह पढ़ती तो है, सी डज रीड, मैं हंसता तो हूँ, आई डू लाफ, मैं रोता तो हूँ, आई डू क्राई, आई डू बीप, राइट, वह रोती तो थी, सी डिड क्राई, वह हंसती तो थी, सी डिड लाफ, वह खेलती तो थी, सी डिड प्ले, है ना, वह खेलता तो था, ही डिड प्ले, ही डिड क्राई, ही डिड लाफ, तो करना आ गया ना। अब देखो वह रोती ही रहती थी, यानी कोई काम नहीं करता था, रोती ही रहती थी, इसका मतलब क्या, स्ट्रक्चर सब कुछ सेम, बस थोड़ा सा चेंज करूंगा, है ना, तो ही डज, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा ताकि स्ट्रक्चर आपको अलग से सेंस आ जाए, मैं स्ट्रक्चर थोड़ा सा इसमें जोड़ूंगा, क्या जोड़ूंगा भाई, तो सब्जेक्ट प्लस
डू डज डिड नथिंग बट वी वन प्लस अदर वर्ड, यानी नथिंग बट किसने लगाया कि वो क्या रोती ही रहती थी, मतलब और कोई काम नहीं था उसके पास रोने के सिवा, प्रेजेंट है तो डू डज, पास्ट है तो डिड, बस मेरे बच्चे तो वह रोती ही रहती है, सी डज नथिंग बट क्राई, वह रोती ही रहती थी, सी डिड नथिंग बट क्राई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा, अंग्रेजी सिखा दूंगा, बस आप अंदर से जोश में रहो, वह रोती ही रहती थी, सी डिड नथिंग बट क्राई, वह खाता ही रहता है, ही डज नथिंग बट इट, ही डज नथिंग बट इट, है ना, वह दौड़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रन, वह दौड़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रन, वह खेलता ही रहता है, ही डज नथिंग बट प्ले, वह दौड़ता ही रहता है, ही डज नथिंग बट रन। तो इस तरह से आप आसानी से स्ट्रक्चर, एक डूडल से हजारों स्ट्रक्चर आप फ्रेम कर सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ, अब दिल्ली दूर थोड़े है, आप आराम से दिल्ली आ जाइए और दिल्ली आ करके तरीके से अंग्रेजी पढ़ लीजिए। हर समय कोई ना कोई आपके लिए बैच बनाता रहता हूँ, और दिल्ली में आकर के फेस टू फेस मेरे से पढ़िए, अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इसके साथ साथ आप दिल्ली नहीं आ सकते तो घर बैठ करके ऑनलाइन क्लास मोबाइल पे, लैपटॉप पे, टीवी पे पढ़ सकते हैं, कुछ नहीं करना है, वेबसाइट जाना है। अब तो हमने आपके लिए स्पोकन भी लॉन्च कर दिया है, आप ऑनलाइन स्पोकन भी घर बैठे पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, फाउंडेशन भी, स्पोकन भी, और टेस्ट भी दे सकते हैं अंग्रेजी में जो चाहिए, राइटिंग, स्पीकिंग, ग्रामर, फाउंडेशन, टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप जाएंगे सब कुछ मिलेगा। कोई ज़रूरत हो, फ़ोन नंबर दिया है, कॉल करके समझ लो कैसे करना है, क्या करना है, सब मिल जाएगा। आप बस एक बार मन से पढ़ने की ठान तो लीजिए, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो धर्मेंद्र सर आपके लिए अवेलेबल ना करा पाए, जो आप चाहेंगे वो मिल जाएगा। बस एक बार क्रांति फैलाने की देर है, आपके अंदर क्रांति फैल गई तो पूरे समाज में, और समाज में फैल गई तो पूरे राष्ट्र में क्रांति फैल जाएगा अंग्रेजी का। तो एक बार अंदर से लगने की देर है, ये सब सीखो और सीख करके यूज करो, बस पढ़ना नहीं है, कलम कॉपी उठाओ और आज से बोलना शुरू करो, लगातार धारा प्रवाह, बस बोलने की देर है, बोलना आ जाएगा, शुरू करने की देर है, हो जाएगा, बस एक बार प्रयास करिए। धर्मेंद्र सर हमेशा आपके लिए काम कर रहे हैं।